हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पद्मनी। आप देख रहे हैं टेस्टी एंड डेलीशियस रेसिपीज। तो आपको दिख रहा होगा कितनी रेड रेड सा टमाटो है। तो आज हम इसका रेसिपी बनाएंगे, क्योंकि मैं ओडिशा से हूं तो अभी जो समर सीजन में हम पोखाड़ो खाते हैं, मतलब जो राइस है, वाटर राइस और पानी भात बोलते हैं उसको, उसके लिए ये जो सहजन का स्टिक है, ड्रम स्टिक, उसका हम सब्जी बनाएंगे। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया, मिनरल्स और आयरन का स्रोत रहती है ड्रमस्टिक में, इसलिए हमें ज़रूर खाना चाहिए। और ये रेसिपी आपको बहुत ही बढ़िया लगेगी, इसे बनाकर आप दो तीन दिन के लिए रख कर भी खा सकते हैं। सो इसलिए मैंने ड्रमस्टिक को और आलू को काट करके रखा है। और अभी मैं तड़का लगा रही हूँ, एक तेज़पत्ता, पाँच फुटन सूखी लाल मिर्च और एक कटा हुआ प्याज डालकर उसे फ्राई कर रही हूँ। और ड्रमस्टिक में होती है ए सी ए और बी कॉम्प्लेक्स, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन, जो कि हमारे हेल्थ के लिए चाहिए। सो इस वजह से आपको ड्रमस्टिक जरूर खाना चाहिए। प्याज अभी फ्राई हो चुकी है, उसमें हम कटे हुए धुले हुए ड्रमस्टिक को, यानी सहजन को, सहजन का स्टिक को उसमें ऐड करेंगे। ये एकदम फ्रेश थी और फ्रेश ही लें, बढ़िया रहेगा। और एक बिग साइज का, बड़ा साइज का आलू मैंने इस तरह से लंबा लंबा करके काट करके डाल रही हूँ। और उसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करके, हल्दी भी डालेंगे और मिक्स करके उसे ढक करके हम उसे कुक होने दें। उसे ढक अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा चला लेंगे इस तरह से, हल्दी नमक घुल जाएगा। और इस तरह से मिक्स करने के बाद उसे ढक करके हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे, कुक होने के लिए। ज़्यादातर इसे बॉयल करके ही खाना चाहिए, सहजन की स्टिक को, ड्रम स्टिक को, ये अच्छा रहता है हमारे लिए, उसका जूस। तो उसे ढक करके हम धीमी आंच में उसे पका लेंगे। ड्रम स्टिक को अगर आप धीमी आंच में पकाते हैं तो ही बढ़िया रहेगा, उसका जो मिनरल्स है, विटामिन से, वो रहेगा। तो अभी हम उसके लिए मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है सूखी लाल मिर्च 2, लहसुन की कली 3-4 और कटे हुए प्याज। और उसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा और 1 कप मूंगफली के, और पानी ऐड करके हम उस मसाले को पेस्ट बना लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रमस्टिक कितना कुक हुआ। ये थोड़ी देर से कुक होती है, क्योंकि ये स्टिक जैसा है, लकड़ी जैसा, सूख जाने से लकड़ी जैसा ही फील होता है, तो इस वजह से थोड़ी देर से कुक होती है। तो इस तरह से चेक कर लेंगे, अगर नहीं हुआ है तो फिर से थोड़ी देर के लिए हम उसे बॉयल कर लेंगे। इसे बीच बीच में हम देखते रहेंगे। तो अभी ये कुक हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा बॉयल हो चुकी है, कलर जो है चेंज हो गया है। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। और मुझे थोड़ी देर हो रही है वीडियो बनाने के लिए, अगर आप उसे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल की ग्रोथ होगी तो मैं बना पाऊँगी। तो अभी मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है और उसमें तेल, 3 से 4 चम्मच तेल, और उस मसाले को, तेल गर्म होने के बाद मसाले को डाल दिया है। उसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हमने ऑलरेडी डाला हुआ है। और उसे अभी धीमी आंच में उस मसाले को अच्छे से कुक कर लेंगे ढक करके। ये जितनी धीमी आंच में पकेगी तभी ये उसका स्वाद आएगा। तो इस तरह से मसाले को बीच बीच में चलाते रहना है, अच्छे से कुक करेंगे, मतलब ये मूंगफली का पेस्ट है, सो इस वजह से थोड़ी देर ये कुक होगी धीमी आंच में। तो मसाला अभी रेडी हो गया है, आपको दिख रहा होगा कलर भी आ चुका है और जो तेल है वो छोड़ रही है। तो ये हमारा मसाला अभी कुक हो चुका है, थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। और उसके बाद हम जो एकदम फ्रेश टमाटो दिख रहे थे लाल लाल सा, उसको एक कट करके उसमें डालेंगे। ये बहुत ही फ्रेश एकदम टमाटर थी, बहुत ही बढ़िया दिख रही थी, इसलिए मैंने शेयर किया वीडियो। उसे ढक करके धीमे आंच में पका लेंगे फिर से।
थोड़ी देर के लिए टमाटर डालने से ये हमारे लिए और भी हेल्दी हो जाती है। तो इस तरह से अच्छे से मसाले को कुक करने के बाद तो मसाला धीरे धीरे से हमें चलाते रहना है बीच बीच में। सो फ्रेंड्स, अभी ड्रमस्टिक की जूस ट्रेंड कर रही है। आपको आप अगर देखे होंगे स्मृति ईरानी का इंटरव्यू, तो वो बता रहे हैं किस तरह से ड्रमस्टिक बनाकर खाना चाहिए। तो इसलिए आप अभी सीजन चल रही है, जब भी सीजनल फ्रूट्स हो, कोई हो, वेजिटेबल्स कोई हो, तो उसे ज़रूर खाना चाहिए। उस सीजन के हिसाब से ये बढ़िया रहता है हमारे हेल्थ के लिए। और हम अगर नेचुरल चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें खाएंगे तो ही हेल्दी बने रहेंगे, क्योंकि आजकल बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं हेयर फॉल की, हेयर ग्रेइंग की, जिसकी चैनल मेरे ऑलरेडी है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अभी मसाला अच्छे से कुक हो चुका है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ बॉयल्ड ड्रमस्टिक और आलू को, और अभी फिर से उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ताकि जो मसाला है उसका फ्लेवर जो ड्रमस्टिक है और आलू है उसमें अच्छे से आ जाए। तो उसे अभी अच्छे से मिक्स करके फिर से धीमी आंच में उसे ढक करके छोड़ देंगे थोड़ी देर कुक होने के लिए, मतलब मसाले के साथ। तो उसमें थोड़ी सी पेशेंस चाहिए आपको, लेकिन ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। ये एक सिंपल सी सब्जी है, लेकिन आजकल इस तरह से बनाकर नहीं खाते हैं, सो इसलिए मैंने शेयर किया आपके लिए। ये सब्जी बहुत ही हेल्दी होगी। सो 3 मिनट या 4 मिनट पकने के बाद ये हमारा रेडी हो चुका है। अभी ग्रेवी टाइप ड्रमस्टिक की करी आप इसे इस तरह से भी खा सकते हैं, कोई भी रोटी के साथ, पराठे के साथ, या फिर जो डोसा बनता है घर में, डोसा के साथ भी ये खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। या फिर आप उसे थोड़ी सी और ड्राई करके, क्योंकि हम ओडिशा से हैं, ओडिशा में पानी भात खाते हैं पखाड़ा, तो उसके साथ ये थोड़ा सा ड्राई होने से अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने थोड़ी देर के लिए जो मसाला था ग्रेवी वाला उसे ड्राई कर लिया है, और ड्राई करने के बाद ये पखाड़ा के साथ, मतलब पानी भात के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। सो इसलिए मैंने इसे ड्राई कर लिया और फिर हम उसको खाएंगे पखाड़ों के साथ। ये बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी है, आप उसे ज़रूर बना के खाएं। ओडिशा में मार्च 20 को मनाई जाती है पखाड़ा दिवस, जिसमें हम इस तरह के रेसिपी बनाकर खाते हैं और लोगों को खिलाते भी हैं। सो अगर आप ओडिशा नहीं आए हैं तो ओडिशा घूमने के लिए, पकौड़ा खाने के लिए आ सकते हैं। सो फ्रेंड, दिस द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू अगेन।